नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं प्रेसवासी। कल उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान भी बहुत अच्छी तरह रख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 फेयरनेस क्रीम का, जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल होती है और साथ के साथ ये बिल्कुल सेफ होती हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप अभी तक आपने प्रेसवासी कल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्रीम है वो है वाओ स्किन साइज की विटामिन सी फेस क्रीम। ये 50 ml की पैकेजिंग में आपको 600 में इजीली ये कॉस्मेटिक स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो ये हर स्किन के लिए सेफ होती है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का यूज़ किया गया है, इसमें कोकोआ बटर, सिया बटर और अर्गन ऑयल का यूज़ किया गया है। तो ये बिल्कुल ही सेफ़ होती है। ये आपके स्किन टोन को लाइट करती है, जो डार्क स्पॉट हैं उन्हें फेड करती है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। नॉर्मली जैसे आप अपने फेस को वॉश करने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको लेकर के अच्छे से मसाज करते हुए लगाना है, फिर ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसी तरीके से आप इसे रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो है लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम। दोस्तों, इसमें सनस्क्रीन का भी यूज़ किया गया है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल ही सेफ है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन टोन को ये लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें सिट्रिक एसिड का यूज़ किया गया है। इसमें नियासिनमाइड है, जो आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स को कम करता है, डार्क स्पॉट को लाइट करता है। तो इसमें ऑलेंटोइन का यूज़ किया गया है, ये भी एक स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट है। इसमें ग्रीसलिन है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है। तो यही इसके इंग्रेडिएंट है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। ये एक डे क्रीम है, इसको आपको दिन के टाइम यूज़ करना है। बात करते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की, तो ये है लोटस हर्बल वाइट ग्लो जेल। ये स्किन लाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग जेल है। 40 ग्राम की पैकेजिंग में आपको 170 में इजीली कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो ये ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो ये मलबेरी इसमें यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया गया है। ये दोनों ही स्किन लाइटनिंग स्किन ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट हैं। तो इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन हाइड्रेट तो रहती है, ये काफ़ी अच्छा आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, साथ के साथ ही आपकी स्किन टोन को भी लाइट करता है। अब बात करते हैं अपनी फोर्थ क्रीम की, तो ये है वाओ स्किन साइंस की फेयरनेस क्रीम, जो कि 20 PA++ के साथ आती है। आप इसको अगर घर में रहते हैं तो इसके साथ आपको अलग से सनस्क्रीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है और स्किन लाइटिंग भी देती है, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही सेफ होती है, ये आपकी स्किन से जो डार्क स्पॉट है उन्हें लाइट करती है और स्किन टोन को भी लाइट करती है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें लिकोराइस एक्सट्रैक्ट है, मलबेरी है, आर्बुटिन, कोजिक एसिड का इसमें यूज़ किया गया है। तो ये आपकी स्किन के जो डैमेज सेल्स होते हैं उन्हें भी रिपेयर करती है। तो इसको डे टाइम में यूज़ करना है आपको, क्योंकि इसमें SPF यूज़ में लिया गया है। इसकी 50 ml की पैकेजिंग आपको अंडर 1000 में ईजीली मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी फिफ्थ क्रीम की, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो आपको जल्दी से रिजल्ट दे, क्योंकि आजकल हर किसी को जल्दी से ही रिजल्ट चाहिए होता है। तो ये उसी तरीके की है, ये आपकी स्किन से एज स्पॉट हैं, डार्क स्पॉट हैं, फाइन लाइन्स हैं उन्हें तो दूर करती है, साथ के साथ ये आपकी स्किन के कलर को बहुत जल्दी लाइट करती है और ये आपकी स्किन से मेलास्मा, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स सबको ख़त्म करती है, अगर आप इसे रेगुलर कंटिन्यू रखते हैं तो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रीडा गुल्टा फास्ट क्रीम की। ये 50 ग्राम की पैकेजिंग में आपको 1000 में इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी, ये ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें ग्लूटाथियोन का यूज़ किया गया है, आर्बुटिन, विटामिन सी, विटामिन B3, इसके अलावा लिकोराइस का यूज़ किया गया है। तो ये बिल्कुल ही सेफ है, ऑल स्किन टाइप्स इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्ने पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट हैं या आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, आपका स्किन टोन काफ़ी डार्क है, डल है, तो इसे यूज़ कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको नाइट में यूज़ करना है, अपने फेस को वॉश करना है और इसकी एक थिक लेयर, यानी कि जैसे आप अपना फेस पैक लगाते हैं उस तरीके से लगा करके छोड़ देना है। मॉर्निंग में आप अपने फेस को वॉश करके इसके साथ आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, तभी आपको इसके रिजल्ट मिल पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।